यह लड़की अपनी माँ को कॉल करके बताती है कि माँ मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई। मम्मी डिप्टी कलेक्टर बन गई मैं। जैसे ही इनकी माँ को यह पता चला तो उनकी आंखों से आंसू आने लग गए। इनकी माँ एक सारथी की तरह इनके हर कठिन सफर में साथ देती रही और आखिरकार इनका सपना पूरा करा कर ही मानी। दोस्तों, ये कहानी है डिप्टी कलेक्टर प्रियंका भलावी की, जो मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले बैतूल से बिलोंग करती है। प्रियंका की माँ इनके हर कठिन सफर में शायद इसलिए सारथी की तरह साथ देती रही क्योंकि इनकी माँ की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। इनकी माँ भी आगे पढ़ना चाहती थी, उनका भी सपना था आगे पढ़ने का, लेकिन शादी की वजह से वह नहीं पढ़ पाई क्योंकि शादी के बाद उनके 4 बच्चे हो गए और आगे पढ़ने का सपना सपना ही रह गया। लेकिन वह अपना सपना अपनी बेटी की आंखों से देखने लगी। वह चाहती थी कि मेरी बेटी मेरा कलेक्टर बनने का सपना पूरा करेगी और प्रियंका ने भी कलेक्टर बनने के लिए जी जान झोंक दी थी। वह दिन रात बस पढ़ाई करती रहती थी, लेकिन डिप्टी कलेक्टर बनना इतना आसान कहाँ था। डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए इन्हें बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ा था। इनके पास पैसों की बहुत तंगी थी, इसलिए प्रियंका सेकेंड ईयर में रहते हुए एक स्कूल में नौकरी करती है और साथ ही शाम को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी ताकि थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो जाए जिससे वह अपनी बुक्स खरीद सके। प्रियंका ट्यूशन के साथ साथ अपनी MPPSC की तैयारी भी करती रही। प्रियंका 3 साल में 3 अटेम्प्ट देती है, लेकिन अफसोस वह 3 अटेम्प्ट में फेल होती है। यहाँ प्रियंका की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आ गया था कि जब प्रियंका के गाँव वाले भी उनको तारने मारने शुरू कर देते हैं कि इनसे ना हो पाएगा, लेकिन प्रियंका की माँ हिम्मत बढ़ाती रही और आगे बढ़ने का हौसला देती रही। प्रियंका की माँ ने उनसे कहा कि देखना एक दिन तुम खुद मुझे फोन करके बताओगी कि मैं अफसर बन गई। फिर क्या दोस्तों, यह थॉट्स प्रियंका का लाइफ चेंजिंग थॉट बन जाता है क्योंकि यहीं से प्रियंका को आगे पढ़ने की हिम्मत मिलती है। फिर से वह दिन रात पढ़ने लगती है और आखिर MPPSC 2020 में 23वीं रैंक लाकर अपनी माँ के सपने को पूरा कर देती है और कॉल करके बताती है कि माँ मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई। डिप्टी कलेक्टर बन गई मम्मी। तो दोस्तों, ये थी प्रियंका भलावी की स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।